लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। नमस्कार आदाब, आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। जैसा कि हमने आपको पहले दिन दिखाया था कि पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है। ये हड़ताल सिर्फ पीएमसीएच के डॉक्टर्स की ही नहीं बल्कि नौ मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे इंटर्न्स इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम इस वक्त वापस मौजूद हैं पीएमसीएच में वापस हम वहीं आ गए हैं जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी और जहाँ जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हुई थी। आज हड़ताल के इतने दिन बाद भी क्या कुछ बदलाव है इस हड़ताल में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे जूनियर्स डॉक्टर्स से। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पदाधिकारी नियुक्त हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ पे, उनको कितना सपोर्ट कर रही है और उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं इन सारी चीज़ों पर। सर, पहले दिन से लेकर के अब तक आप लोग मानदेय को लेकर के जो आप लोग का हड़ताल चल रहा है, क्योंकि 2017 में मानदेय बढ़ाया गया था, अब 2020 जनवरी में बढ़ना था लेकिन अब तक नहीं बढ़ा है, जिसको लेकर के आप लोग हड़ताल कर रहे हो, पहले दिन से अब तक क्या कुछ बदलाव आया आपके हड़ताल में? देखिए, पहले दिन से और अभी तक में जहाँ तक जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन हमारा डिमांड है या जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव बस यही आ रहा है कि जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं उनका दुख बढ़ता जा रहा है। पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा कम समस्या था, अब वो समस्या जो बढ़ते जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही परेशान मरीज दर दर भटक रहे हैं। समस्या इतना ही बात, इतना ही अंतर हुआ है पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन लोगों से जब बात की गई है तो उन लोगों के द्वारा ये पता चला है कि यहाँ पर जूनियर्स डॉक्टर के हड़ताल के बाद यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि जो सीनियर्स डॉक्टर थे उन्होंने कमान संभाल रखी है और जो एडमिशन से न्यू पेशेंट्स के वो लगातार जारी है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक गलत मैसेज जा रहा है लोगों के बीच। अगर आप पेशेंट, जो नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, चूँकि पीएमसीएच यहाँ का सबसे पुराना अस्पताल है, बिहार का सबसे रेपुटेड है, तो यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट जो आ रहे हैं वो लगातार सही में उनका नंबर सफिशियंट है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेपर पेशेंट जो है अपना पेपर बना रहे हैं, पेपर तो बन जा रहा है लेकिन अंदर में जब वो जाते हैं तो आप पेशेंट ओपीडी के बाहर पूछिए तो उनको यही बोला जा रहा है कि तुमको पता नहीं है कि अभी हड़ताल है तो यहाँ हम लोग नहीं देख पाएंगे, उनका समुचित इलाज नहीं चल रहा है। तो सरकार जो पेपर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कटा है उसके आधार पर डाटा दे रही है, लेकिन सच्चाई यही है, इलाज नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर ऐसा है तो आप अधीक्षक महोदय से ये लिस्ट मांगें कि पीएमसीएच के यहाँ गायनी की डॉक्टर भी हैं आपके सामने, पीएमसीएच के लेबर रूम में कितने बच्चों का जन्म हुआ करता था हड़ताल से पहले, कार्य बहिष्कार से पहले कितने बच्चों का जन्म ऑपरेशन से हुआ करता था। पीएमसीएच में ऑन एन एवरेज पर डे 10 से 15 ऑपरेशन, मीन्स पेट को खोलकर बच्चे निकाले जाते थे, और पिछले 7 दिनों से एक भी नहीं हुआ है। मीन्स 15 × 7 लीजिए तो 105, मीन्स 105 सर्जरी सिर्फ ऑफ्सगैनी में टल चुकी है। चूँकि हम ऑफ्सगैनी के सामने खड़े हैं इसलिए हम सिर्फ ऑफ्सगैनी का डाटा दे रहे हैं, तो 105 ऑपरेशन टल चुके हैं। इसके बावजूद अगर सरकार का ये कहना है कि काम में कोई अंतर नहीं पड़ा है तो ये तो उनका पब्लिक को वो बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक भी बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक भी इस बात को समझती है। यहाँ पे जो हड़ताल हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो मरीज हैं उनको क्या खासा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर जो भी मरीज़ आ रहे हैं यहाँ पर हम उनको यही बताया जा रहा है कि वो अपने एक्सपेंस पर आ रहे हैं। यहाँ पर जनरली क्या होता है कि सिर्फ पीजी डॉक्टर्स ही जनरली देखते हैं, क्योंकि सीनियर डॉक्टर का भी ड्यूटी होता है लेकिन सबसे पहले तो उनको पीजी डॉक्टर्स ही देखते हैं। लेकिन अगर वो ही नहीं होंगे तो उनको देखेगा कौन? अगर एडमिटेड पेशेंट भी है तो उसका दिन सुबह शाम राउंड लगाना, उसका दवाई लिखना, उसका सब कुछ करना भी एक पीजी डॉक्टर का ही काम होता है। लेकिन अगर अभी नहीं है हम लोग तो उसके वहाँ पर कर कौन रहा है? यहाँ ऑन एन एवरेज ऑब्सगैनी में ऑपरेशन होता था दिन में 10 LSCS हो जाता था और नॉर्मल डिलीवरी तो कम से कम 15-20 हो जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पर एक दिन में कभी 3 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, कभी 4 हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही है। और जितने भी ऑपरेशन किए जाते थे उन सबको टाला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को सुबह शाम उनकी देख रेख कौन करेगा? उन लोगों का सुबह शाम उनकी हर चीज़ का, दवाई का, हर चीज़ का ख्याल कौन रखेगा? तो इसलिए बहुत सारे मरीज़ खुद भी यहाँ से चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो क्या लग रहा है कब तक जारी रहेगा ये हड़ताल, और क्या लगता है इतने दिनों से चल रहे हड़ताल में सरकार या फिर जो जिनको आप ये बात बताने की कोशिश करें वो आपकी बात समझ भी रहे हैं कि नहीं? वो लोग समझ रहे हैं हमारी बात, वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैटर ब्यूरोक्रेसी के कारण फंस गया है। ठीक है, वो लोग लिखित में नहीं देना चाह रहे, हम लोग चाह रहे बस एक लिखित में एश्योरेंस दे दें, हम लोग अभी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, बाद में ही पैसा बढ़ाएं। हमें ये नहीं है कि अभी बस आप आज पैसा ही दे दो, बस आप लिखित में एक मुझे कागज़ दे दो कि मैं पैसे बढ़ा दूंगा या जो भी हमारी डिमांड है फुलफिल कर दूंगा, मैं अभी का अभी ड्यूटी चला जाऊंगा, वैसा कुछ नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये उठ रही है कि जो आप लोगों ने, हमारे जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा था कि वो लिखित रूप से सब कुछ था कि
एक तारीख से जो बढ़ाने वाली बात थी 2017 से 2020 एक जनवरी से ही वो मानदेय लागू होने वाला था, लेकिन लागू नहीं हुआ। फिर कोरोना काल आ गया और कोरोना के बाद फिर आप लोगों ने हड़ताल आप लोगों का शुरू हो गया है। तो हमको ये बताइए कि क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों का निपटारा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार पीएमसीएच की जो व्यवस्था है उस पर खासा असर देखने को मिल रहा है जूनियर डॉक्टर के हड़ताल की। देखिए, इस चीज़ को जितनी जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाएगा उतना ही अच्छा, क्योंकि उनको ये बात माननी ही पड़ेगी हमारी, उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग ही इलाज करते हैं यहाँ पे। कोरोना जब हुआ था, कोरोना काल में मैं ही ड्यूटी गया था, कोरोना में मैं ही सबसे आगे रह के ड्यूटी गया था। मैं एक्चुअली खुद भी कोरोना पॉजिटिव होकर फिर छुट्टी लेकर फिर मैं कोरोना ड्यूटी गया हूँ, तो करना तो मुझे ही है काम, वो तो काम कर नहीं सकते। तो अच्छा है कि जितना जल्दी निपटा दे, हमें एक लिखित में एश्योरेंस दे दे, मैं चला जाऊँगा ड्यूटी करने। झूठ मूठ के सारे लोगों को परेशान करने से क्या फ़ायदा, हम लोग का भी मानवता है, हम लोग को भी अंदर से अच्छा नहीं लगता। बच्चों का डॉक्टर हूँ, मुझे बच्चे देखता हूँ तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं कर पा रहा, वो बच्चे ऐसे भटक रहे हैं, कोई नहीं है उन्हें देखने वाला गरीब बच्चों को। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो जूनियर्स डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है उसको लेकर के जो जूनियर्स डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है, और ये जो हड़ताल है वो कहाँ तक जाएगा अभी ये भी हम लोगों को नहीं पता चला है, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि इनको लिखित रूप से वो चीज़ चाहिए जो मानदेय की राशि बढ़ाने की बात जो प्रावधान लागू किया गया है उसको लिखित रूप से करना है, लेकिन इनको लिखित रूप से नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से ये हड़ताल लगातार चलते आ रहा है। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने डॉक्टर्स की हड़ताल वाली वीडियो नहीं देखी है हमारा पहला पार्ट, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर उस लिंक को क्लिक करके देखिए कि आखिर क्या है पूरा मामला, जिसकी वजह से पीएमसीएच ही नहीं बल्कि 9 मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे इंटर्न्स भी इस हड़ताल में शामिल होकर के विधि व्यवस्था को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह बनकर के खड़े हैं। बने रहिए डेमोक्रेटिक चरखा के साथ, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब। लाइक, शेयर, कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।